फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट। लो भाई, सेट ऑफ ऑल पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट पी। ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट क्या लटके जाएंगे बताओ, एक्स वाई एंड जेड। कोई दिक्कत भाई, ये लटके लिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट। अब इसके बारे में कंडीशन दे, अगर ऐसे घूमेगा आवारा का जैसे तो आवारा चित्र बनेंगे, उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन कैसे घूमेगा अंडर दी फिक्स कंडीशन, वो दे रखा होगा कैसे घूम रहा है, देखते हैं कैसे घूम रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट पी, तो लेट कर लियो पॉइंट पी क्या है, एक्स वाई जेड। अब बता रहा है पी के बारे में कैसे है सेट ऑफ ऑल पॉइंट, द सम ऑफ हूज डिस्टेंसेज फ्रॉम ए, कोई एक पॉइंट ए दे रखा है, क्या है 400, और कोई एक पॉइंट बी दे रखा है, कहीं भी लगा दो, कोई एक पॉइंट बी दे रखा है -400। वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट पी। पी जो पॉइंट है जिसमें बहुत सारे पॉइंट का सेट है, वेरिएबल पॉइंट लेट किया, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, उन पॉइंट में क्वालिटी क्या है, द सम ऑफ हूज डिस्टेंसेस, इन पॉइंट के सम का, इन पॉइंट इस पॉइंट जितने भी पॉइंट आएंगे सबके डिस्टेंस ए से और बी से उनका सम करोगे तो कितना आएगा हमेशा, इज इक्वल टू 10, यस और नो। तो ये पॉइंट यहां पे है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम कर लो कितना आएगा, 10 आएगा, और ये डिस्टेंस का सम कर लो 10 आएगा। ये बोल रहा है कि मैं घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा कि हमारी तुम्हारी दूरी का योग हमेशा 10 रहेगा। हाँ या ना, फिक्स कंडीशन के तहत घूम रहा है ना, इधर नहीं जाएगा कि योग कितना है, नो नहीं, योग कितना चाहिए उसको, योग बोले तो सम। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है, तो लेट कर लो, लेट पहले लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी आर्बिटरी पॉइंट, मैं थोड़ा अलग लिखूंगा अब इसको, थोड़ा अच्छा लगेगा, आर्बिटरी पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, तो लेट कर लो ये आर्बिटरी पॉइंट है, यस और नो, गिवन है ये घूम रहा है अंडर द फिक्स कंडीशन। बोलो कंडीशन क्या है, पी ए के डिस्टेंस का और पी बी का डिस्टेंस का सम कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, यस और नो, घूम रहा है इस कंडीशन के तहत। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, किसकी टर्म में, एक्स वाई जेड की टर्म में, वही आंसर होगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके सिंप्लीफाई करने में एक खास बात है, तुमसे होगा नहीं सिंप्लीफाई, नहीं होगा हम बता रहे ना। चलो पी से ए का डिस्टेंस निकालते हैं, सीधा निकाल रहे, रख रहे हैं यहां पर, बोलो डिस्टेंस, बोलो पी से ए का डिस्टेंस, यस, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, वाई का स्क्वायर आएगा ओनली, एंड जेड माइनस जीरो, जेड का स्क्वायर, ये क्या निकला पी ए, क्लियर है भाई, माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा भाई, ये लो माइनस, ठीक है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आ गया PA का डिस्टेंस, प्लस फिर क्या निकालना है, PB का डिस्टेंस, कहाँ गया P, ये रहा और ये रहा B, दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस माइनस दिस, तो y का स्क्वायर आएगा, दिस माइनस दिस, z का स्क्वायर आएगा, बराबर कितना है 10, यस और नो, आंसर आ चुका है, यही आंसर है, लेकिन ये आंसर बुक वाले से मैच नहीं करेगा, हम इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। अब कैसे सिंप्लीफाई करें बच्चों, याद रख लेना, याद रख लेना हमेशा, जब भी कभी ऐसे दो रूट आ जाते हैं, कितने रूट, कुछ मान लो ऐसा, तो आप इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके सिंप्लीफाई करोगे अपने तरीके से, तो बहुत गंदी, बहुत घटिया, बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। जब भी ऐसे दो रूट आते हैं ना, तो एक रूट को पहले दूसरी तरफ ले जाओगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, ये शायद पहले कभी आ चुका है, मैंने आपको बताया है, लेकिन आशा करते हैं कि आप भूल चुके होंगे। दो रूट आएगा कभी भी तो सीधा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करना, एक को दूसरी, किसी भी एक को दूसरी तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो सी माइनस रूट बी, अब करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर दोबारा एक रूट आएगा, फिर एक रूट वाली टर्म को लिख के फिर एक बार और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भाग जाएगा। yes. समझ में आ रही है बात भाई, yes, याद रहेगा हमेशा। तो इसमें ऐसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे, एक को ले जाओ, चलो किसी को भी ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, अंडर रूट एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसको तो ले जाते हैं, तो टेन माइनस अंडर रूट क्या, एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड प्लस जेड का स्क्वायर। हाँ यार, अब हमें एक को इस तरह लगे रूट को, अब कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिल्कुल ध्यान से करना है भाई, कैलकुलेशन वर्क है, बिल्कुल ध्यान से करना। तो ये अंडर रूट एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये है 10 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। करना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कर दो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई? बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जब दो रूट आते हैं तो सिंप्लीफाई का तरीका क्या बताया, एक रूट को पहले उधर ले जाओ फिर करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये याद रखना है, कैलकुलेशन की ट्रिक है भाई ये। इसका स्क्वायर है रूट है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इधर क्या आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस z, एक स्क्वायर रूट कट गया बस यही बचा। अब इधर जब है हमारे पास पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसको बोलो a, इस पूरे को बोलो b, इसको बोलो a, इस पूरे को बोलो b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो लगाते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मैं स्टेप नहीं खाऊंगा इसके अंदर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस टू ए बी, अरे हाँ हम बे माइनस टू ए एंड बी क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? Yes, नहीं आया? बहुत गंदी कैलकुलेशन करके देखना, चक्कर आ सकते हो, बेहोश भी हो सकते हो। ठीक है भाई, निकलेगा ही नहीं आंसर तुम्हारा, सही बता रहा हूँ, बहुत गंदी कैलकुलेशन आएगी। सीधा सीधा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, याद रख लो बता रहा हूँ, अगर दो रूट आए तो एक को पहले उस तरफ ले जाओ फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, ठीक है? सीधा सीधा करोगे तो चक्कर आ जाएंगे, बहुत गंदी कैलकुलेशन आएगी। यहां तक क्लियर भाई? एक को इस तरफ लगे, इस तरफ स्क्वायर किया रूट कट गया, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी। कुछ लोग बोलते हैं टू ए क्या है 10, बी क्या है माइनस का, जी माइनस लगाओ यहां पर, फॉर्मूला ही तो माइनस का लगाया यार, फॉर्मूला ही तो माइनस का लगाया है, आ तो गया माइनस फॉर्मूले में। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ध्यान से देखते रहना, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 एंड माइनस टू ए बी कितना आएगा माइनस का 8x एंड प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई? इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया 100, ये स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आएगा बोलो x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर। इसको करोगे तो माइनस का 20 एंड अंडर रूट क्या आ गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। अभी भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी क्वेश्चन के साथ, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, ध्यान देना। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर, ये कितना हो गया 100 एंड प्लस इधर a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड प्लस 2ab यानी कि 8x एंड प्लस क्या हो गया y का स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर एंड माइनस 20 अंडर रूट क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते रहिए। अब आपको जो दिख रहा है कटे तो काट दो, इधर x स्क्वायर कट गया, इधर वाई स्क्वायर कट गया, इधर जेड स्क्वायर कट गया, क्लियर है भाई? कुछ और कट रहा है? नहीं, और एक 16 और 16 भी कट गया। अब जो बचा उसको लिखते हैं, इधर क्या बचा 100 बचा है और क्या बचा है 8x बचा है, इसको उस तरफ लेकर आते हैं, तो बताओ इधर ये पहले 100 ले जाओ, उधर पहले 100 ले जाओ, 100 माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसको ले जाओ माइनस 8x माइनस 8x माइनस का 16x, हाँ या ना, इसको तो ले जाओ माइनस का 100, हाँ अरे हाँ, तो ये क्या आ गया माइनस का 20 अंडर रूट क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करेंगे, करते रहेंगे जब तक है जान। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुमको इसमें? चार कॉमन ले सकते हैं, चार कॉमन, तो माइनस चार कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं माइनस, माइनस चार कॉमन लोगे तो क्या आएगा 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना आएगा 25, हाँ या ना, इज इक्वल टू क्या माइनस 20 एंड अंडर रूट क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। देखते रहो देखते रहो, ये माइनस माइनस कट गया, इसको भी काट दो, 4 पंजे 20, तो ये कैसा हो गया देखने में 4x प्लस 25 बराबर क्या हो गया माइनस तो कट गया 5 अंडर रूट क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। देखते रहिए देखते रहिए। अब एक रूट और बचा है हमारे पास ये वाला, इसको भगाने के लिए आप करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगेन, दोबारा कर देते हैं, एक बार पहले भी किया था, एक बार ही दोबारा कर रहे हैं। तो 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर करना है 5 अंडर रूट क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी पूरे का स्क्वायर कर दिया, हाँ या ना। अब ध्यान दो, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 625, यस और नो। फिर प्लस 2ab, 2500 का 100, 100 दुनी 200, 200x, हाँ या ना, पक्की बात है भाई। अरे यार, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये रूट भाग जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 बाहर, ये रूट भागेगा, ये 5 जो होगा इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, पता है ना। कहीं रूट भगा दो, 5 25 यहां लिख दो, ब्रैकेट लगाओ ना, तो झंड हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर 25 और 25 जो आएगा इसका स्क्वायर करने के बाद जो आएगा 25 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। 16 का स्क्वायर प्लस 625 एंड प्लस क्या 200x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 को अभी बाहर ही लिखते हैं। इधर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, बोलो क्या होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 8x और ये प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर। देखते रहो देखते रहो देखते रहो। 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस क्या 200x, ओहो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 25x स्क्वायर, 25 को 16 से करोगे तो कितना होगा 250, और 25 छिक्का 25 चौका 100, 150, 150 250, 400 से 400 ही आएगा, अरे हां प्लस 400 एंड इसको इससे करोगे 25 को 8 से 200x आ गया प्लस 25y स्क्वायर आ गया एंड प्लस 25z स्क्वायर आ गया, अरे हाँ हम बे। अब इसको ढंग से लिखते हैं, कछु कटे तो काट दो, कछु कट रहो है, जे जे कट गो, और कछु कट रहो है ना, कट रहो। अब ध्यान से लिखेंगे भैया, देखे पहले 16x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, x स्क्वायर को x स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का 9x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर ये रहा y स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, माइनस का 25y स्क्वायर। अब z स्क्वायर देखो, माइनस का 25 क्या z स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब x वाली टर्म देखो दिख रही है तो नहीं दिख रही है, x वाली टर्म नहीं है, y वाली टर्म देखो दिख रही है तो नहीं है, z वाली टर्म देखो दिख रही है तो नहीं है, बस कांस्टेंट टर्म दिख रही है, तो कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर लो, क्या है 625 625, इसको यहां को ले जाओ, माइनस का 400 बराबर क्या 0, तो थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं जी, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 25y स्क्वायर एंड माइनस का 25z स्क्वायर, और ये कितना आ गया प्लस का 225 आ गया भाई, हाँ या ना, इक्वल टू 0। अब मैंने आपको याद है गणित ना ऐसे आगे माइनस अच्छा नहीं लगता, तो इस ससुरे माइनस को क्या करो कॉमन ले लो भैया, और तो कछु कॉमन ना आ रहा हो, तो माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस को कॉमन लोगे तो जे आ जाएगा पॉजिटिव, जे भी आ जाएगा क्या पॉजिटिव, और जे भी आ जाएगा क्या पॉजिटिव आ जाएगा, और जे का आ जाओगे जे नेगेटिव आ जाओगे, कोई दिक्कत भाई किसी को, इक्वल्स टू 0। इस माइनस को 0 से उड़ा दो तो फाइनल आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर एंड माइनस 225 इक्वल्स टू 0, क्या आंसर है,